नमस्कार साथियों साथियों, आज हम एक नया वीडियो फिर से लेके आ गए हैं। दोस्तों, जैसा आप देख रहे हैं, ये एक लेजर जो है लेजर थेरेपी मशीन है, उसका हेड है। दोस्तों, फिजियोथेरेपी आज के समय में बहुत ही महत्वपूर्ण अंग बन गया है मेडिकल क्षेत्र में। दोस्तों, ये जो हमारे लेजर थेरेपी मशीन का हेड है, ये काम नहीं कर रहा है। इसका कहीं से जो है रेजिस्टेंस वैल्यू हमें नहीं मिल पा रही है, या फिर कहिए ये काम नहीं कर पा रहा है या काम नहीं कर रहा है, तो इसी को रिपेयर करेंगे। देखिए, कंटिन्यूटी मैं चेक कर रहा हूँ, वायर टू वायर अभी ओपन करके नहीं मिल रहा है। तो इस हमें लगता है कहीं वायर ब्रेक है, इसका हेड भी खोल लेंगे एक बार। ये देखिए दोस्तों, हमने इसको काट के अलग कर लिया। यहाँ से चेक करते हैं, देखिए दोस्तों, ये हमें इसी जगह थोड़ा सा मिला कि ये कमज़ोर पॉइंट था, तब इसको हमने काट लिया। अभी मल्टीमीटर से चेक करते हैं अभी क्या है। ये देखिए दोस्तों, एक दो दोनों वायर अब सही हो गया, हमें कंटिन्यूटी मिलने लगी। दोस्तों, इसको फिर से हम सोल्डिंग करके अच्छे से ज्वाइंट कर देंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, आजकल मेडिकल के क्षेत्र में काफ़ी उपलब्धियां हासिल होते जा रही हैं। आधुनिक युग में आधुनिक तरीके से ट्रीटमेंट भी हो रहे हैं। दोस्तों, हम इसको अच्छे से पहले वायर को सोल्डिंग रीसोल्ड कर लेंगे। सोल्ड करने के बाद कनेक्ट कर देंगे। हमने इसको अलग कर दिया रेड का। दोस्तों, इसको कभी भी आप लोग अगर अपने हाथ से कर रहे हैं या किसी मैकेनिक से करा रहे हैं, तो वायर का विशेष ध्यान देंगे कि जो जिस जगह से खुले वो उसी जगह ही जुड़े, नहीं हो सकता है कि आपका वैल्यू डिफरेंस हो जाए। काम करे लेकिन सही तरीके से ना काम करे, तो फ़ायदे की जगह नुकसान भी हो सकता है, इसलिए इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान ज़रूर दें। दोस्तों, इसका सोल्डिंग कर दिए, अब इसको इसका फिटिंग कर लेते हैं और एक बार चेक भी कर लेते हैं। दोस्तों, हम इसको अच्छे से अब कस लेते हैं। ये मेरा सही हो गया सब कुछ, अब इसको मशीन पे लेके जाके इसका टेस्टिंग भी कर लेंगे क्या अभी काम कर रहा है नहीं कर रहा है। जैसे देखा हमने मशीन को पे ले गया इसको। दोस्तों, फिर मिलेंगे आप लोगों से नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ये दोस्तों, ये अच्छे से काम कर रहा है।